हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हमारे पास, कौन सा वाला? कैलकुलस। कैलकुलस वाला टॉपिक है और कैलकुलस के टॉपिक में हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ टेस्ट किए थे जिसमें से फर्स्ट टेस्ट था हमारे पास डायरेक्ट सीरीज निकालना। सीरीज हमारे पास है एक्स एन, इस कंप्लीट सीरीज को ऐड करना है, एन इज इक्वल टू वन से लेकर के इन्फिनिटी तक ऐड करते जाना है। अगर इसकी वैल्यू एल आती है, जो भी वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे टेस्ट बढ़ाए थे। उसके बाद एस ओ पी एस वाला सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाला था, उसमें एस एन निकाला था, एन पदों का योग, और लिमिट निकाली थी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। वापस से वही वैल्यू बनती है और वही हमारे पास टेस्ट बनेंगे। फिर हमने क्या किया था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर हमारे पास आता है तो मैं बोलूँगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बनने पर और एक्स एन के ऊपर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर अगर वैल्यू जीरो आती है, अगर वैल्यू जीरो आएगी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना तो कन्वर्जेंट कहेंगे ना डाइवर्जेंट कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो मैं क्या बोलूँगा, सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक टेस्ट किया था, कौन सा, एक्स एन अपॉन वाई एन निकालने वाला, एक्स एन अपॉन वाई एन। इस पर मैं अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालता हूँ, अगर वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो और फाइनाइट आती है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास जो वाई एन है वो वाई एन और एक्स एन दोनों एक जैसे होंगे। मतलब एक्स एन अगर कन्वर्जेंट है तो वाई एन भी कन्वर्जेंट होगा, वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा, और हमारे पास अगर वाई एन डाइवर्जेंट है तो एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगा, और वाई एन कन्वर्जेंट सॉरी एक्स एन डाइवर्जेंट है तो वाई एन भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टेस्ट था कोची टेस्ट, कोची रेशियो टेस्ट, कोची रेशियो टेस्ट क्या था हमारा, सॉरी कोची रूट टेस्ट था, कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट क्या था हमारे पास, कि लेट समेशन एक्स एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज की एक सीरीज है हमारे पास, और उसमें हमने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन टू द पावर वन अपॉन एन की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाती है, एल बन जाती है, तो मैं बोलूँगा अगर एल ग्रेटर देन वन है तब तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। एल लेस देन वन पर क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा, और एल इज इक्वल टू वन पर टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेक किया था डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन की जो वैल्यू है वो एल आ जाए, तो मैं बोलूँगा एल ग्रेटर देन वन पर क्या आता है, कन्वर्जेंट आता है। एल ग्रेटर देन वन पर क्या आता है, कन्वर्जेंट, कहाँ से होगा ये, एल ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट आता है, एल लेस देन वन पर डाइवर्जेंट आता है, और एल इज इक्वल टू वन पर टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए जब टेस्ट फेल हो जाएगा तब हमने एक नया टेस्ट सीखा था, और वो कब लगाते हैं हम नया टेस्ट, जब हमारे पास इधर जो वैल्यू है हमारे पास ये, इसको मैं थोड़ा लॉगरिथमिक टेस्ट,
लॉगरिथमिक टेस्ट कौन सा था हमारे पास? लॉगरिथमिक टेस्ट में हम करते थे क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स सॉरी एन इंटू लॉग एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन। ये हमारे पास अगर एल वैल्यू देता है तो मैं बोलूँगा एल ग्रेटर देन वन पर तो क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा। एल लेस देन वन पर क्या मिलेगा आपको, डाइवर्जेंट मिलेगा। और एल इज इक्वल टू वन पर क्या मिलेगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था ठीक है लास्ट क्लास में। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने वाले थे हम, क्वेश्चंस में एग्जांपल्स चल रहे थे हमारे पास कुछ। कितने एग्जांपल करवा दिए थे, एग्जांपल नंबर चार हो गया था, एग्जांपल नंबर पांच हो गया था। एग्जाम्पल नंबर छः, एग्जाम्पल नंबर सिक्स। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, निम्न श्रेणी अभिसारी है जब x लेस देन वन अपॉन ई हो तथा अपसारी है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ई है। और सीरीज हमें दे रखी है क्या, a प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस a प्लस टू एक्स की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस a प्लस थ्री एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और ऐसे ही आगे वैल्यू बन रही है। ये हमें चेक करना है, देखना इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन वन अपॉन ई एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ई। ये हमें प्रूव करना है और इस सीरीज हमारे पास ये दे रखी है ठीक है। अब सीरीज में देखना हम किस तरीके से करने की कोशिश करते हैं इसको। थोड़ा क्वेश्चन को मैंने छोटा बना करके इधर लिख दिया है। देखना सॉल्यूशन, सीरीज एक्स एन क्या है, सीरीज एक्स एन इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास ए प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस ए प्लस 2x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस a प्लस 3x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही हमारे पास आगे वैल्यू जुड़ रही है। ये हमारे पास है सीरीज। तो मैं बोलूँगा हेयर xn क्या बनेगा बताना, xn xn हमारे पास क्या है, ये हर एक में a a a आ रहा है तो xn में भी a आएगा। xn मतलब nवा पद, nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी, ए ए ए ए ए आर एस सब में तो यहाँ पर भी ए बनेगा ठीक है, प्लस है सब में प्लस बनेगा। फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स, सेकंड में टू एक्स, थ्री थर्ड में थ्री एक्स, इसका मतलब एन वाले में क्या आएगा, एन एक्स आएगा। अपॉन फर्स्ट वाले में वन फैक्टोरियल, सेकंड वाले में टू फैक्टोरियल, थर्ड वाले में थ्री फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या बनेगा, इसमें एन फैक्टोरियल बनेगा। और
फर्स्ट वाले में पावर कितनी है, 1, सेकंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में 3 है, तो n वाले में पावर कितनी बनेगी, n बनेगी। ये हमारे पास एक्स एन आया है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास एक्स एन बनता है तो हमारे पास टेस्ट दिमाग में आने लग जाते हैं। पहला टेस्ट कौन सा, कोची वाला, कोची रूट टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, एक्स एन की पावर 1/n करते हैं, एक्स एन की पावर 1/n, ताकि एन से एन कट जाए। यहाँ पर देखना पावर एन है, तो मैं जैसे इसकी पावर 1/n करूँगा तो एन से एन कट जाएगा, लेकिन नीचे हमारे पास पावर एन है नहीं, तो कोची टेस्ट लगाओगे तो कुछ लंबा बन जाएगा हमारे पास। तो मैं बोलूँगा कौन सा टेस्ट आता है उसके बाद, डी-अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या करता है कि एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1, और इसकी लिमिट निकालता हूँ। इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत यह आती है कि एक्स एन निकालना ना चाहिए, एक्स एन निकाल लिया है, एक्स एन प्लस 1 निकालना चाहिए, मतलब जैसे जैसे एक्स एन निकाला है उसमें एन की जगह क्या रखना है, हमें एन प्लस 1 रखना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैंने एन लिख रखा है वहाँ पर क्या लिखूंगा, एन प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, एक्स एन प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स एन प्लस 1 क्या मिला, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, और पावर कितनी बनेगी देखना, पावर में एन था तो अब क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत है, ये हमारे पास क्या बना है, एक्स एन प्लस 1 बना है। इनको मैं रफ कर देता हूँ, टेस्ट लगाना है, अप्लाई करना है टेस्ट को, देखना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 लगाना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन कितना है हमारे पास, ये रहा ए प्लस एन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, बताना अपॉन में एक्स एन प्लस 1, तो अपॉन में लिखूंगा तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई बाई क्या, उल्टा करके लिखूंगा तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो वैल्यू क्या बनेगी लास्ट में, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो कट पिट रहा है उसको काट दो, यहाँ पर इतना एन फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। तो वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस एन एक्स की पावर एन इंटू, इसको क्या लिखता हूँ, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से आएगा ये, तो नीचे क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल इंटू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1, ये बनेगा। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया है हमारे पास, जो वैल्यू बची है वो देख लो, क्या वैल्यू बची है हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इधर से ए प्लस एन एक्स की पावर एन अपॉन, नीचे क्या बनेगा और ऊपर बनेगा, एन प्लस 1 भी बनेगा, एन प्लस 1, ठीक है, एन प्लस 1, नीचे क्या बनेगा, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1 बनेगा। अब देखना एन टेंस टू इन्फिनिटी रखते ही ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और नीचे देखना एन प्लस 1, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी की पावर कितनी बनेगी, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया क्या, हाँ, जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है तो मैं बोलूँगा ये कैसा रूप बना है हमारे पास, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप बन गया है, कैसा बना है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप, ये बना, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनते मैं क्या बोलूँगा, अब हमें क्या चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तो हम क्या बोलते हैं, जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल के काट लो, इन्फिनिटी बनने से पहले ही काट दो उसको, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से हमारे पास, एक तो एन ये रहा, तो एन टू दी पावर, यहाँ से एन बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, एन टू दी पावर एन बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए अपॉन एन प्लस एक्स की पावर एन इंटू, यहाँ से एन बाहर आएगा तो एन, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये बनेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन एन, अपॉन में यहाँ से एन बाहर आएगा तो
एन की पावर कितनी आएगी, एन प्लस वन, अंदर क्या बचेगा ए अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन इंटू एक्स की पावर कितनी एन प्लस वन, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा, कौन से कौन कट कट जाएगा, एन टू दी पावर एन से एन टू दी पावर एन कटा, तो यहाँ पर नीचे एन बचेगा वो इस एन से कट जाएगा, तो ये वैल्यू बची क्या। हाँ, तो हम आगे लिखते हैं, ये वाला जो इधर है इसको मैं रफ कर दूँ या साइड में लिख देता हूँ इसको ना, आगे मैं थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ। ये जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें चेक करना है आगे वैल्यूज क्या बनेंगे, देखना यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे वैल्यू क्या बनी a अपॉन n प्लस x टू दी पावर n इंटू वन प्लस वन अपॉन n, अपॉन में क्या बना a प्लस एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन इंटू एक्स की पावर कितनी एन प्लस वन, ये बनेगा क्या। हाँ, अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है हमारे पास, एक फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस पी ऑफ एन की पावर अगर q ऑफ n है तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये p ऑफ n इंटू q ऑफ n, यही लिखते हैं क्या हम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पता है ये फॉर्मूला। ओके, अब बताना हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास वन चाहिए हमें तो x को भी बाहर निकाल लूँ, x को भी बाहर निकालना पड़ेगा तभी तो वन आएगा हमारे पास, तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x को बाहर निकालूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n और अंदर क्या बचा हमारे पास वन प्लस a अपॉन n x की पावर n इंटू वन प्लस वन प्लस वन अपॉन n, अपॉन में यहाँ से x की पावर कितनी आएगी बाहर n प्लस वन, तो x की पावर n प्लस वन इंटू बताना मल्टीप्लाई में क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से तो हमारे पास बनेगी वैल्यू, यहाँ से हमारे पास इसको भी बाहर ले जाता हूँ पूरे को, तो वैल्यू क्या बन जाएगी तरीके से, ये बनेगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इनटू अंदर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से तो वन बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास ए अपॉन एन इंटू वन प्लस ए अपॉन एन इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन अपॉन एन और इस कंप्लीट की पावर कितनी बनेगी एन प्लस वन, ये बचेगा हमारे पास। अब देखना, जैसे ही एक्स टू दी पावर एन से एक्स टू दी पावर एन कटेगा तो नीचे एक्स बचेगा, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन से एक्स टू दी पावर एन कटेगा तो एक्स बचेगा सिर्फ, तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पर वन प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर एन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन, अपॉन में यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी वन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन प्लस वन और यहाँ से इंटू एक्स इंटू वन प्लस ए अपॉन एन इंटू ए वन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन प्लस वन बनेगा, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें मैं लिमिट लगाता हूँ, इसमें लिमिट लगाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, ये बना है हमारे पास, लिमिट लगाता हूं,
लिमिट अंडरस्टैंड इनफिनिटी लगाने पर ये कितना बनेगा बताना, e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a अपॉन एन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कितना है n इंटू आगे बताओ यहाँ से ये तो 1 बनेगा, 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा e टू दी पावर लिमिट 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 ये बनेगा क्या, बिल्कुल इंटू यहाँ पर क्या बनेगा x इंटू e टू दी पावर लिमिट और अंदर वैल्यू बनेगी a अपॉन n इंटू a x है यहाँ पर x है तो यहाँ पर बनेगा ये x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 ये बनेगा क्या, हाँ अब देखना लिमिट बनाने पर क्या बनेगा, ये n से n कट गया तो वैल्यू क्या बनेगी e टू दी पावर a अपॉन x तो e टू दी पावर a अपॉन x इंटू यहाँ से 1 अपॉन नीचे यहाँ से e टू दी पावर 1 तो ये e इंटू x इंटू यहाँ से क्या बनेगा बताना, ये यहाँ पर हमारे पास बनेगा n प्लस 1 ऊपर चली जाएगी n तो ये सारा कुछ कट के रखे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी e टू दी पावर a अपॉन x बनेगा वापस से e टू दी पावर a अपॉन x e टू दी पावर a अपॉन x से कट जाएगी तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास e टू दी पावर a अपॉन x e टू दी पावर a अपॉन x कटेगी तो वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी हमारे पास फाइनली 1 अपॉन ई एक्स बनेगा 1 अपॉन ई एक्स। ये किसकी लिमिट आई है, लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस 1 इजल टू बना है 1 अपॉन ई एक्स जो कि क्या है लिमिट है, बराबर किसके आएगा l के बराबर आएगा। अब हमें यहाँ पर हमें क्या मेथड दे रखा है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है हमारा, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये बोलता है, हाँ डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलता है कि अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो क्या बनेगा कन्वर्जेंट बनेगा, l की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो क्या बनेगा डाइवर्जेंट बनेगा, और l इजल टू 1 पर क्या बन जाता है टेस्ट फेल बन जाता है। तो यहाँ से बताना L कितना है हमारे पास, यहाँ से 1 अपॉन ई एक्स है, 1 अपॉन ई एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या है x को इधर लेके जाऊँगा तो x लेस देन 1 अपॉन ई है तो क्या बनेगा हमारे पास कन्वर्जेंट बनेगा। ठीक है यहाँ पर देखना 1 अपॉन ई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो क्या बनेगा x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ई तो क्या बनेगा डाइवर्जेंट बनेगा डाइवर्जेंट, और यहाँ पर क्या 1 अपॉन ई एक्स इजल टू 1 पर मतलब x इजल टू 1 अपॉन ई पर हमें क्या मिलेगा टेस्ट फेल हो गया है, टेस्ट फेल हो गया। तो टेस्ट फेल होते मैं बोलूँगा अब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो लॉगरिथमिक टेस्ट अब हमें अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ओके यहाँ से हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, तो ये हमने फाइनली लिख दिया है क्या कि x लेस देन 1 अपॉन ई पर तो क्या है कन्वर्जेंट आया है, x ग्रेटर देन 1 अपॉन ई पर क्या है डाइवर्जेंट आया है, इतना तो हमें चेक करना था, x इजगल टू 1 अपॉन ई पर हमें चेक करना है। तो मैं बोलूंगा एट x इजगल टू 1 अपॉन ई, x इजगल टू 1 अपॉन ई पर हमारे पास क्या बनेगा x n अपॉन लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है, तो मैं बोलूंगा बाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बनेगा बाई लॉगरिथमिक टेस्ट भाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बनेगा बताना, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें लॉगरिथमिक टेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, लॉगरिथमिक टेस्ट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वो मैं लगा रहा हूँ इधर या फिर मैं इधर ही लगा लेता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर निकाल लेता हूँ इसका, नेक्स्ट पेज। लॉगरिथमिक टेस्ट का है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू
एन इंटू लोग एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन, यही फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिट एन टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिटी और एन इंटू लोग एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन। एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन कितना आया पीछे, मैं इधर से बता देता हूँ आप लोगों को, एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन कितना आया था। एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन की जगह मैं लिख दूंगा क्या, जहां पर एक्स आएगा वहां पर ई अपॉन वन अपॉन ई लिखना है, तो वैल्यू कितनी आएगी, ई इंटू वन प्लस ए ई अपॉन एन की पावर एन अपॉन वन प्लस ए ई इंटू सॉरी अपॉन में अपॉन एन प्लस वन, और इसकी पावर हमारे पास कितनी आई थी, पीछे की साइड में लिखा हुआ है ना टेंस, मतलब ये चीज ये बना था एन प्लस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन, ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला बना था एक, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लॉग लेना है और लॉग के बाद उसकी वैल्यूज लगानी है, तो दोनों साइड में मैं अगर लॉग लूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी देखना। यहाँ से हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखना एन इंटू लोग, बोलना क्या बनेगा, लोग ए ऊपर है ऊपर की साइड में तो सारे पॉजिटिव, नीचे साइड वाले नेगेटिव, तो क्या बनेगा, लोग ई प्लस एन आगे आएगा तो एन लोग वन प्लस ए ई अपॉन एन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये क्या बनेगा माइनस एन प्लस वन बाहर आएगा एन प्लस वन इंटू लोग हमारे पास क्लियर है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा n प्लस वन इंटू वन प्लस ए ई अपॉन एन प्लस वन की पावर कितनी है, पावर n प्लस वन बाहर ले लिया तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, लॉग लगाना है, बीच में लॉग लगाना है, यहाँ पर ये बनेगी n प्लस वन इंटू लॉग और ये अंदर मल्टीप्लाई में है माइनस लोग, तो एन बाहर और लोग वन प्लस वन अपॉन एन, ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला बना है। इसमें हमें लिमिट लगानी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो वैल्यू आएगी ये तो क्या बन जाएगा देखना, वन बन जाएगा, यहाँ से लोग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ से लोग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे लोग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन लिखा हुआ है सिंप्लीफाई में, आप लोगों को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, हमें इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा नेक्स्ट, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना इसको, तो हमें फाइनली वैल्यू हमारे पास जो मिलेगी वो मिलेगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू लॉग एक्स एन अपॉन एक्स एन प्लस वन इजक्वल टू क्या मिलेगा, वन बाई टू माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, ठीक है। अगर ना ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू से कट जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू कितनी बची, वन बाई टू, और वन बाई टू वन से छोटा होता है कि बड़ा होता है, वन से छोटा होता है, तो मैं बोलूँगा वन से छोटी वैल्यू आई है तो हमारे पास क्या बनेगा डाइवर्जेंट, तो मैं बोलूँगा सो फोर x इजक्वल टू वन अपॉन ई सीरीज x n इजक्वल टू क्या है, फोर एक्स इजक्वल टू दिस सीरीज x n इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब फाइनली मैं आप लोगों के सामने क्या लिखने जा रहा हूं कि हैंस समेशन x n इज कन्वर्जेंट, किसके लिए, समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट फॉर